हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 250 ग्राम ग्रास में और ये जेब्रा पाइप में किस तरह से फूल झाड़ू बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है और अभी के मार्केट के अनुकूल क्या रेट आ जाता है होलसेल में, वो सारा कैलकुलेट करके हम आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये देखिए पाइप है, ये 21 इंच का पाइप है, ये जेब्रा पाइप है, इसमें नॉमिनेशन चढ़ाया गया है और इसका कीमत 9 रुपया पर पीस आ जाता है। और उसके बाद देखिए ये लकड़ी ले लीजिएगा, लकड़ी 21 इंच का ले लीजिएगा, 21 इंच का पाइप है तो हम 21 इंच का लकड़ी का यूज करेंगे। और उसके बाद आप ग्रास ले लीजिएगा। अब उसके बाद आप लोग अपने मार्केट के अनुकूल देख लीजिएगा कितना ग्राम में आप बना सकते हैं। तो मेरे मार्केट में इस पाइप में लगभग 250 ग्राम ग्रास देके बनाया जाता है और 225 ग्राम ग्रास देके बनाया जाता है। आज हम आप लोगों को 250 ग्राम ग्रास में बनाकर बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये ग्रास ले लीजिएगा, ग्रास को अच्छे से वेट कर लीजिएगा 250 ग्राम में। देखिए हम ग्रास को अच्छे से वेट कर लिए हैं, इसी तरह से आप वेट कर लीजिएगा। और ग्रास आपको जिस एरिया का चलाया जाता होगा उस एरिया से ग्रास को आप मंगवा सकते हैं। जैसे कि नेपाल में ग्रास मंगाया जाता है नेपाल से, और उसके बाद आसाम से मंगाया जाता है, शिलोंग सिलचर ये सब जगह से मंगाया जाता है। तो ये है आसाम का ग्रास है, मेरे मार्केट में अभी तो फिलहाल आसाम का ग्रास चलाया जा रहा है और नेपाल का दोनों क्वालिटी ग्रास यहाँ पे चलता है। तो उसके बाद देखिए ये सभी ग्रास को एक एक करके अच्छे से सजा लेंगे। इस तरह से देखिए हम ग्रास को अच्छे से सजा लिए हैं। अब उसके बाद ये देखिए लकड़ी ले लिए हैं, ये लकड़ी को अच्छे से गोल कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से लकड़ी को गोल करके अब इसके बीच में इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से हम गोल करके डाल दिए। अब ये छोटे वाले ग्रास को एक एक करके छपाई कर देंगे। छपाई इसलिए करते हैं क्योंकि लकड़ी दिखाई नहीं दे और क्वालिटी बेहतर से बेहतर बने और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो। देखिए इस तरह से सभी को अच्छे से सजा के गोल कर लिए हैं और ये पीछे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस पाइप को इस तरह से अंगूठे के सहारे पकड़ लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से झाड़ू के पाइप में पहना लेंगे। देखिए इस तरह से पहना लेंगे और यहाँ पे ठोक लेंगे क्योंकि झाड़ू अच्छे से पाइप के अंदर घुस जाए। देखिए ये अच्छे तरह से घुसा लिए हैं और इधर देखिए पूरा अंदर आ गया है। लकड़ी उसी अनुकूल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालने से पाइप थोड़ा फटने का डर रहता है। देखिए ये रेडी हो गया है, पीछे में एक दो गो हम पाइप टाइट होने के लिए यहाँ पे लकड़ी डाल देंगे कटिंग करके। देखिए इस तरह से डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम ये ढक्कन पहना लिए हैं। अब देखिए ये झाड़ू बन के रेडी हो गया है 250 ग्राम में। इसको आगे इस तरह से मिला लेंगे, ये मिला लिए। अब ये झाड़ू अच्छे तरह से बन के रेडी हो गया है और यहाँ पे हम तार मार देंगे क्योंकि झाड़ू और मजबूती में आ जाए और खुले नहीं। ये तार ले लिए हैं, कि इस तरह से यहाँ पे तार को
इस तरह से बांध लेंगे। देखिए इस तरह से बांध लिए हैं, झाड़ू और मजबूती में आ गया है। अब ना इसके निकलने का डर रहेगा ना खुलने का डर रहेगा। अब इसका हम टोटल वेट कर लेते हैं, एक झाड़ू बनाकर टोटल वेट कितना आ गया है। ये देखिए लगभग आपको 500 ग्राम वेट आया है, एक झाड़ू 500 ग्राम में ये टोटल वेट आया है। अब ये झाड़ू टोटल मैन्युफैक्चर करके कितना रुपया आ गया है वो सारा हम कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देते हैं। ये देखिए 9 रुपया का पाइप हो गया है और 3 रुपया इसका कारीगर चार्ज है बनाने का, तो 12 रुपया हो गया है। और 3 रुपया का इसमें लकड़ी है तो 15 रुपया हो गया है। और 3 रुपया इसका रेपर है तो 18 रुपया टोटल हो गया है। और ये 250 ग्राम ग्रास का कीमत हो गया है आपको 22 रुपया 50 पैसा, तो 22 रुपया 50 पैसा और इधर 18 रुपया, तो टोटल हो गया है आपको 40 रुपया 50 पैसा। ये एक झाड़ू मैन्युफैक्चर करके बना के पड़ा है अभी के मार्केट के अनुकूल, तो आप लोग इसे 4500 में आसानी से होलसेल कर सकते हैं। और इसका रिटेलर यानी खुला बिक्री है पर पीस 60 रुपया। तो इसी तरह से आप लोग देख देख के सीख के बना सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। देखिए ये हम जेवरा पन्नी ले लिए हैं, अब इसमें बारी बारी से सभी झाड़ू में पिन्हाएंगे। ये देखिए सब बन के रेडी है। देखिए इस तरह से हम सभी को एक एक करके पिन्हा लेंगे। देखिए इस तरह से सभी झाड़ू को हम पिन्हा के रेडी कर लेंगे। इसी तरह से सभी झाड़ू में पन्नी पिन्हाएंगे बारी बारी कर से। तो आप लोग बिजनेस करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, ये हर घर की जरूरत है, सभी घर में झाड़ू लगाया जाता है। और अभी पिछले साल की तुलना में इस साल ग्रास का रेट बहुत कम है। और इधर आप लोग के नज़दीक दीपावली भी आने वाला है, तो अभी से आप लोग शुरू कर सकते हैं क्योंकि एक महीना दो महीना थोड़ा समझने में भी लग जाएगा कहाँ से सारा रॉ मटेरियल मंगाया जाता है। तो सारा आप लोग जानकारी ले सकते हैं। देखिए ये सब सारा मैं पन्नी पहना के रेडी कर लिए हैं। अब ये थोड़ा सा और बचा है, इसमें भी इस तरह से पन्नी पहना के रेडी कर लेंगे। इसी तरह से आप लोग भी पन्नी पहना लीजिएगा। देखिए ये आप पन्नी पहना के हम सारा झाड़ू को रेडी कर लिए हैं, ये लगभग 200 पीस में हम रेडी किए हैं। अब इसको हम बंडल बांधेंगे 50-50 का पर पीस करके, 50-50 का एक बंडल बांधेंगे। देखिए इसी तरह से 5-5 करके हम इसको 50 का बंडल बना लेंगे। इसे इस तरह से यहाँ बंडल बना के हम खड़ा कर लिए हैं, वो इसी तरह से हम बंडल बांध लेंगे 50-50 करके। हेलो दोस्तों, देखिए हम ये सारा झाड़ू में पन्नी पिन्हा के रेडी कर लिए हैं और बंडल बांध के भी रेडी कर लिए हैं। अब ये पूरी अच्छी तरह से माल रेडी होके तैयार है, अब ये मार्केट में जाएगा, सेल होगा।